एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई हिट लिस्ट ऐसी है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम शामिल है। लॉरेंस के एक नहीं बल्कि कई दुश्मन हैं। भारत ही नहीं कनाडा में भी बिश्नोई के नाम की चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस के शूटर सात समंदर पार भी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हाल ही में करणी सेना के ऐलान के बाद इस गैंगस्टर के लिए सलाखों के पीछे खतरा बढ़ गया है। चलिए जानते हैं कौन कौन है लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन। एक, दो या तीन नहीं, पाँच नाम है जो लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का पहला दुश्मन करणी सेना बन चुकी है, जिसने इनाम का ऐलान भी किया है। दूसरे नंबर पर गुरपतवंत सिंह पन्नू, तीसरे नंबर पर दाऊद इब्राहिम, चौथे नंबर पर नीरज बवाना गैंग और पांचवें नंबर पर है कौशल चौधरी। जाहिर है जिसके इतने दुश्मन होंगे उसकी सिक्योरिटी भी तगड़ी होगी। चलिए जानते हैं जेल में कैसी है लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसे देखकर जाहिर होता है कि बिश्नोई की सिक्योरिटी कितनी तगड़ी है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला हाथ में राइफल लेकर आता है। इसकी टी शर्ट पर स्वात लिखा हुआ है। इसके बाद वर्दी पहने हुए कई पुलिस वाले आते हैं और इनके बीच में आता है लॉरेंस बिश्नोई। शायद किसी पेशी के दौरान ये वीडियो बनाया गया हो जिसमे लॉरेंस को वर्दी वालों ने अपने घेरे में रखा हुआ है। ये वीडियो कब का है ये तो पता नहीं, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या लॉरेंस की सिक्योरिटी करणी सेना की धमकी के बाद बढ़ा दी गई है।